नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल टेक्निकल बुखार में। दोस्तों, YouTube जो है अभी मुझ पर जो इतना ज़्यादा मेहरबान है कि YouTube ने मुझे एक ऐसा फीचर दिया है जिसका यूज़ करके मैं अपने चैनल को अभी जो है आने वाले 15 दिनों के अंदर रॉकेट की तरह जो है ग्रो करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस फीचर्स का केवल मुझे लाभ मिला है, ना तो मनोज दे, ना ही टेक्निकल इसरा, ना ही टेक्निकल योगी, यानी कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं इनको इस फीचर्स का लाभ जो है नहीं दिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इन लोगों को जो है बड़े बड़े क्रिएटर को जो है इन फीचर्स का लाभ क्यों नहीं दिया गया है, केवल मुझे ही जो है फीचर्स का लाभ क्यों दिया गया है और YouTube मुझ पर जो है इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है। अब देखिए दोस्तों, ये फीचर्स केवल मुझे मिला है तो आप लोगों को भी जो है फीचर्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब मेरा चैनल YouTube ग्रो करवा रहा है तो आप लोगों से क्या दुश्मनी है? आप लोगों का चैनल क्यों ग्रो नहीं करवा रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस फीचर्स को लेना है, कैसे आप अपने चैनल को जो है ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी जो है कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनने 10 20 50 100 वीडियो तक अपलोड कर दिए, तो किसी के नीचे ने तो 300 400 तक वीडियो अपलोड कर दिए लेकिन उनका चैनल जो है ग्रो नहीं कर रहा है और उनके चैनल पर ना तो व्यूज आते हैं ना तो सब्सक्राइबर आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा किस तरीके से आपको इस फीचर्स का यूज करना है YouTube के नए फीचर्स को, ठीक है? चलिए तो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साइड में कल की वीडियो का यहां पर प्रमोशन देख लो। अगर दोस्तों आप लोग भी प्रमोशन में भाग लेना चाहते हो तो आपको छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को एक लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और आपका भी जो है प्रमोशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम बात करें। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका चैनल हो, लाइक चाहे गेमिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका फूड से रिलेटेड हो, चाहे टेक से रिलेटेड हो, चाहे ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, यानी कि एक्स वाई जेड किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका चैनल हो। अब आप लोग क्या करोगे, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड लगाओगे, सबसे पहले तो अपने टाइटल लगाओगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर टैग लिखोगे। अब कीवर्ड लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं आप लोगों को क्या बताते हैं कि हमें यूट्यूब से ही सर्च करना चाहिए कि हम जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यूट्यूब पर सर्च करना है कि सब्सक्राइब, जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बनाए, तो हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइबर कैसे बनाए, और नीचे हम जितने भी जो है टैग देखेंगे यानी कि जितने भी कीवर्ड देखेंगे वो सारे के सारे हम जो है उनमें से एक टाइटल लेंगे, जो सबसे ऊपर रैंक कर रहा है उसको हम टाइटल बनाएंगे और जो नीचे कीवर्ड दिख रहा है उनको हम टैग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिखेंगे और उन्हीं कीवर्ड को हम टैग में जाकर लिख देंगे। इससे हमारा वीडियो रैंक करेगा। लेकिन दोस्तों, इससे हमारा वीडियो बिल्कुल भी रैंक नहीं करता है। अब पहले ये जो है रैंक कर जाता था जब यूट्यूब पर जो है क्रिएटर की संख्या कम थी, लेकिन अब क्रिएटर की संख्या बढ़ती जा रही है और सभी को इस ट्रिक के बारे में पता चल गया है और अब किसी का भी वीडियो जो है इन ट्रिक्स जो है रैंक नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब का एक नया फीचर जो मुझे मिला है उसका कैसे आपको यूज करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन दिखेगा, तो या आप कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हो तो उस ब्राउजर को आप ओपन कर लेना, ठीक है? इस ब्राउजर में आपका यूट्यूब चैनल जो है लॉगिन होना चाहिए, वो स्टूडियो आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है? और इसको आप डेस्कटॉप साइट पर ओपन किए होने चाहिए। जैसे आप इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन करोगे, देखिए दोस्तों आपके सामने मेरा पूरा जो है एनालिसिस जो है खुल चुका है, यानी कि डैशबोर्ड खुल चुका है। अब देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फीचर दिखेगा एनालिटिक्स का, ठीक है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनालिटिक्स का, तो इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस, और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक और फीचर दिखता है रेवेन्यू का, ठीक है? यानी कि इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और फीचर दिखता होगा रेवेन्यू का। लेकिन दोस्तों, अब ये जो आपको फीचर दिख रहा है ना रिसर्च वाला, ये दोस्तों नया फीचर ऐड किया गया है, ठीक है? अभी जो है कल या परसों इसको फीचर्स को ऐड किया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि ये जो बड़े क्रिएटर हैं उनको मिला या नहीं मिला। आप लोग भी जो है जरूर चेक करना कि ये फीचर्स आपको मिला या नहीं मिला। इसका आप कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए तो इस रिसर्च वाले पर हम जो है क्लिक करते हैं और टैप यहाँ पर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर टैप किया, अब देखिए दोस्तों यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जा रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जो गेम सर्च किया जाता है, फिर डांस सर्च किया जा रहा है अभी के टाइम में, और शायरी वगैरह सर्च किया जा रहा है, फिर से गेम सर्च किया जा रहा है, ब्लॉग सर्च किया जा रहा है, यानी कि ये जो चीजें हैं वो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा अभी जो है हाल ही में सर्च की जा रही है, ठीक है? तो ये बताता है। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे अपनी व्यूज बढ़ाना है, कैसे आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पर देखिए सर्च अक्रॉस यूट्यूब, यानी कि आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन का आपको यूज करना है। चलिए तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर अ सर्च टर्म और टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो इस पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, चलिए यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है? सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, चलिए तो यहाँ पर हम टाइप करके जो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने जो है टाइप करके सर्च यहाँ पर कर दिया।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अगर आप इस वीडियो पर व्यूज बना रहे हो तो आपका चैनल इस जो है टाइटल के लिए सही है या नहीं है। देख सकते हो कि ये टाइटल जो है हमारे जो है चैनल के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख लो, हाई हमारा जो है दिखा रहा है कि अगर आप इस पर जो है वीडियो बनाओगे तो आपका अच्छा वीडियो रैंक करेगा और आपकी वीडियो को जो है टाइटल है वो बहुत अच्छा है। और फिर हम नीचे की ओर आएंगे, ये भी देख सकते हो यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये भी हमारे जो है वीडियो के लिए हाई है, यानी कि हम इसको भी टाइटल बना सकते हैं। और यहाँ पर देख लो मीडियम आ गया, यानी कि जो थोड़ा जो है कम है। और देखो नीचे की ओर हम आएंगे तो यहाँ पर लो भी आपको दिखेगा, यानी कि जितने भी कीवर्ड आपको दिख रहे हैं सारे के सारे कीवर्ड आपको क्या करना है, इनमें से जो स्टार्टिंग के कीवर्ड आपको मिलेंगे दो, उनका आपको टाइटल बना लेना है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ही कीवर्ड नहीं मिलेंगे, और भी आपको कीवर्ड दिए जाएंगे। देखो नीचे की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन पेज दिए गए हैं, तो अब इसको हम दूसरे पेज पर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखो और कई सारे हमें कीवर्ड मिल जाएंगे। तीसरे पेज को हम ओपन करेंगे तो देखो और कई सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, यानी कि तीनों पेज के कीवर्ड जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने हैं। और जो फर्स्ट नंबर पर जो हमें जो कीवर्ड मिल रहे थे स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग पे आपके मीडियम भी हो सकते हैं और हाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड का आपको यूज करके टाइटल बना लेना है। अब देखिए दोस्तों, केवल यही कीवर्ड हम मेरे जो है क्यों बता रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए दोस्तों इस पर मेरे चैनल से व्यूज आए हैं। देखो अभी हाल ही के टाइम मेरे चैनल पर इस कीवर्ड का यूज करके 2.1 के व्यूज आया है। और देख लो इसका यूज करके मेरे चैनल पर, देख लो अभी हाल ही में जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, इसका यूज करके मेरे चैनल पर 516 व्यूज आए हैं। ये आपको बता रहा है कि आपके चैनल पर इस कीवर्ड का यूज करके कितने व्यूज आए हैं, कि आपको इसका यूज करके अपने चैनल पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये फीचर्स केवल मुझे मिला है, अगर आप लोगों को भी ये फीचर्स मिला है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर जो भी कीवर्ड आपको मिलते हैं इन कीवर्ड का यूज करना, क्योंकि दोस्तों हम जब भी जो है यूट्यूब पर जो है कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो केवल हमें जो है 2-4 कीवर्ड दिखाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कई सारे कीवर्ड दिखाए जा रहे हैं, इनका आप जो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख कर सर्च कर सकते हो हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर उसके भी आपको मिल जाएंगे कीवर्ड, उनका भी आप यूज कर सकते हो। इसका यूज आप करोगे ना तो 100% आपका व्यूज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।